हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपने विंडोज 10 के अंदर विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, विंडोज 11 में आप डीएनएस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको सर्च करना है कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल को आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है शो होगा। यहाँ पे आप इंटरफेस चेंज भी कर सकते हैं और मे भी हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा हो। तो सिंपली आप एक ही इंटरफेस सेलेक्ट कीजिए कैटेगरी, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है नेटवर्क एंड इंटरनेट। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप जिस नेटवर्क से कनेक्ट होंगे वो उसकी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको इसको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको आपके नेटवर्क की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट्स जो हैं यहाँ पे शो होंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली जो है प्रॉपर्टीज़ पे हमें क्लिक करना है। तो ये रहा प्रॉपर्टीज़, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी और आपको यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP वर्जन 4 को सिलेक्ट करना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर देखिए DNS सर्वर जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट है। हम यहाँ पर मैनुअली सिलेक्ट करेंगे। तो यूज़ द फ्लोइंग DNS सर्वर एड्रेस यहाँ पे हम सेट करेंगे। तो हम यहाँ पे जो DNS सर्वर इस्तेमाल करने वाले हैं ये गूगल का DNS है। तो हर ऑर्बिट में आप प्रिफर्ड DNS सर्वर में 8888 कर देंगे और ऑल्टरनेटिव DNS सर्वर के अंदर आप 8, दूसरे ऑर्बिट में 8 और आगे के दो ऑर्बिट में आप 4 सेलेक्ट कर देंगे। और आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है वैलिडेट का, तो इसके ऊपर आपको जो है चेक कर देना है और आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसको क्लोज कर देना है और इसको भी क्लोज कर देना है। इसके बाद आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती है तब ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको अपने सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। तो इसे मैं चलते रहने देता हूँ, ठीक है। और चलिए, आपको स्टार्ट पर जाना है और यहाँ पर टाइप करना है CMD। तो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। आपको इसको रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके रन करना होगा, ठीक है। जो भी कमांड्स मैं आपको बताऊंगा वो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ही रन होंगी इसमें, और इसको एडमिन राइट्स चाहिए होते हैं। तो आपके सामने कंसोल ओपन हो जाएगा। तो कंसोल ओपन होने के बाद इसके अंदर आपको जो है अब सबसे पहले आपको DNS को फ्लश करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ip config /flushDNS। जैसे आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका DNS फ्लश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा DNS फ्लश हो चुका है। अब हमें अपने DNS को रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ip config /forward/, यहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्टर DNS। तो जैसे हम रजिस्टर DNS लिखेंगे और इसको एंटर करेंगे तो हमारा जो DNS है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये मे भी कुछ टाइम ले सकता है कमांड थोड़ा सा एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। और जैसे हमारा ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है तो हमें नेक्स्ट कमांड को एग्जीक्यूट करना है, और ip config /forward/release। इससे जो है हमारे कंप्यूटर का IP एड्रेस जो है रिलीज़ हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जैसे मैं रिलीज़ करता हूँ तो ये कमांड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब नेक्स्ट कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ जिससे जो है आपको अच्छे से विजिबल रहे। तो उसको फटाफट मैं ऊपर कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो है अब आपको जो है अपने सिस्टम का IP एड्रेस को रीन्यू करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ip config /forward/, और यहाँ पर कर देंगे हम रीन्यू। तो जैसे हम रीन्यू करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो है एक नया IP एड्रेस जो है असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें नया IP एड्रेस जो है हमारे वाईफाई अडेप्टर पे असाइन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी कमांड्स मैं बता रहा हूँ इनको रन करने के लिए हमें एडमिन राइट्स की ज़रूरत होती है। तो पुरानी जो कमांड्स मैंने आपको बताई है सारी तो बिना एडमिन राइट के एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन ये जो कमांड बता रहा हूँ इसके लिए एडमिन राइट्स ज़रूरी होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे netsh /winshock /reset /catalog, ठीक है। इस कमांड से आपको जो है आपका विनशॉक को जो है रीसेट कर देना है उसके कैटलॉग को। तो यहाँ पे देखिए आपके कंप्यूटर को रिस्टार्ट मांग रहा है और ये बता रहा है कि कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अपने IPv4 को रीसेट करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे netsh int IPv4 reset। अब यहाँ पे हम रीसेट लॉग लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं reset.log। तो देखिए यहाँ पे हमें रीसेट लॉग्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सारा डाटा जो है शो हो जाएगा। इसके बाद एक कंप्यूटर रिस्टार्ट बनता है। अभी हमें रिस्टार्ट नहीं करना, IPv4 कर दिया। अब आप IPv6 को भी कर दीजिए। तो यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे IPv6 के लिए netsh int IPv6 reset, और रीसेट के बाद लिखेंगे आप reset.log
लॉग, ठीक है। जैसे आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका जो है IPv6 जो है रिसेट हो जाएगा। इस कमांड को आप अच्छे से देख लीजिए, ये कमांड वैसे आपको डिस्प्ले भी हो रही होगी, तो आप देख सकते हैं हमारा IPv6 जो है उसके भी लॉग्स को हमने रिसेट कर दिया है। अब इतना करने के बाद जो है फ्रेंड्स, आप सभी को अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शट डाउन स्पेस माइनस आर कर देंगे, ठीक है। जैसे माइनस आर कर दूंगा तो देखिए हमारा कंप्यूटर जो यहाँ पे साइन आउट बता रहा है और रीस्टार्ट हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, यहाँ पे हमें बता रहा है। तो फ्रेंड्स, अब जो है आपका कंप्यूटर जो है रीस्टार्ट हो जाएगा और आपके कंप्यूटर की जो भी DNS क्वेरी है वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी।